बलिया नगर पालिका कैसे काम करती है ये देखने को मिला बलिया के हॉस्पिटल रोड पर, जहां नगर पालिका द्वारा आवंटित 3 दुकानों पर हो रहे निर्माण को गिराने के लिए लाव लश्कर तो आया, लेकिन महज कुछ घंटों में ही खाली हाथ लौट गया। जहां एक तरफ दुकान के मालिक ने नगर पालिका के ईओ पर 2 लाख रुपए घूस मांगने का आरोप लगाया, तो वही नगर पालिका के ईओ का कहना है कि आवंटन रद्द कर वहां अवैध निर्माण की जगह शौचालय बनवाया जाएगा। कुछ कर दिखाने की तमन्ना के साथ बलिया नगर पालिका पूरे लाव लश्कर के साथ बलिया जिला अस्पताल रोड पहुंची, जहां नगर पालिका द्वारा आवंटित 3 दुकानों में हो रहे निर्माण कार्य को रोकना और तोड़ना था। नगर पालिका बलिया के ईओ दिनेश कुमार विश्वकर्मा भारी पुलिस फोर्स और पीएससी के साथ अवैध रूप से हो रहे निर्माण स्थल पर पहुंचे। आनन फानन में बुलडोजर ने निर्माण कार्य को तोड़ना भी शुरू कर दिया। तभी इस पूरे घटनाक्रम में ट्विस्ट आ गया, जब इन दुकानों के मालिक डॉक्टर प्रभा शंकर ने नगर पालिका की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए खुद को बुलडोजर के सामने खड़ा कर दिया। दरअसल हॉस्पिटल रोड में नगर पालिका द्वारा बनाई गई इन दुकानों का 99 साल का पट्टा किया गया है। ऐसे में दुकान के मरम्मत और निर्माण करा रहे डॉक्टर प्रभा शंकर का कहना है कि 3 दुकानें जर्जर हालत में हो चुकी थी, लिहाजा नगर पालिका से अनुमति लेकर निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिसकी जांच नगर पालिका के एक जेई द्वारा भी किया गया था। डॉक्टर प्रभा शंकर का आरोप है कि नगर पालिका के एक बाबू द्वारा लगातार 2 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी, जिसका एक बड़ा हिस्सा नगर पालिका ईओ और चेयरमैन को देना था, पर घूस की ये रकम न देने की वजह से अवैध तरीके से नगर पालिका ने उनके निर्माण को तोड़ने की कोशिश की है। मेरा नाम डॉक्टर प्रभा शंकर है। मेरे नाम से ये अल्ट्रासोनोग्राफी चल रहा था। कहाँ पे है ये? यहाँ यहाँ रोड पे। और इसका हमने एप्लीकेशन दिया था, यही आया था, फोटो खींचा था, दीवार पूरी क्रैक हो गई थी 3 जगह से। किस विभाग को एप्लीकेशन दिया? नगर पालिका को। उसके बाद अप्रूव्ड हुआ, फोटो खींच के ले गया जेई उनका और कहा मरम्मत करने का आदेश हुआ। छत गिरवाया, दीवार क्रैक था, 3 जगह से दीवार गिर गया, तो मैं इसको जब गिर गया, इधर की फ्रंट की 3 दीवारें और उस साइड की दीवार गिर गई, तो मैं बाकी 2 दीवार गिरा के मैंने नया निर्माण कराया। तो इसके लिए आपने नगर पालिका से कोई अनुमति ली थी? हाँ, वो कंस्ट्रक्शन अब उसके लिए मरम्मत के लिए मुझको मिला था कि आप अपने पैसे से मरम्मत कराएंगे। मैं दूसरे जगह था तब तक ले ये लोग प्लानिंग से, वो AK सिंह है, वो मुझसे 2 लाख रुपए की डिमांड आ रहा था मेरे स्टाफ से। कौन AK सिंह? कौन है? एक बाबू है नगर पालिका। अच्छा। 2 लाख का डिमांड आ रहा था कि यो साहब को 2 लाख रुपया दे दो, आप लोगों का काम। अच्छा। उनका अशोक सिंह। अच्छा, तो अशोक सिंह आपसे 2 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है? आ रहा था मुझसे डायरेक्ट, मैं यहाँ था नहीं, उनसे लोग थे, उनसे आ रहा था। तो वो पैसा किसको जाना था? ईओ को जाना था। तो इन्होंने क्या किया है आज? आज आके उसके बाद मैं तो था नहीं, तो सीधे बुलडोजर ले आया और गिराने लगे। मैं वहाँ से खाली होके आया तो मैं बुलडोजर पर टंग गया, तब जाके बुलडोजर रुका। जब बुलडोजर पर मैं टंग गया, बुलडोजर ऊपर ले गया मुझसे, उसके बाद बुलडोजर नीचे उतारा गया। बुलडोजर पर ये कितने साल का पट्टा है आपका यहाँ? ये 99 ईयर्स का पट्टा है और 34 साल हो गया। अभी नगर पालिका क्या कर रही है? अब नगर पालिका अभी तक कोई हमको नोटिस नहीं थी, हमको तो गिराने के लिए कोई लीगली नोटिस है नहीं मिला। तो क्या जबरदस्ती? जबरदस्ती हो रहा है भ्रष्टाचार के लिए, ये ईओ का एकदम खेल है, धन उगाही के लिए। अभी आप चेयरमैन का कोई रोल नहीं है, ईओ जो है का खेल है। तो अभी आप क्या करेंगे? अब इसमें हम FIR कराएंगे फोटो खींच के, ईओ के खिलाफ, चेयरमैन के खिलाफ, अशोक सिंह के खिलाफ। हालांकि इस पूरे मामले में नगर पालिका की ईओ का कहना है कि नगर पालिका की 3 दुकानों के मरम्मत की अनुमति दी गई थी, न कि निर्माण के लिए। ऐसे में नगर पालिका बलिया द्वारा उक्त दुकानों का पट्टा निरस्त कर दिया गया है और जल्द ही अवैध निर्माण को गिराकर शौचालय बनवा दिया जाएगा। जो वहां पे डॉक्टर हैं, जो जिनका ये पूरा था अलॉटमेंट, वो कह रहे हैं कि ये इसकी अनुमति उन्होंने प्रॉपर ली थी, नगर पालिका ने कोई नोटिस नहीं दिया, सेकंड सैटरडे था ये, देख के जो है और जानबूझकर जो है नगर पालिका ने आज तोड़ फोड़ करके और नुकसान पहुंचा दिया।
हाँ, ये हम मान रहे हैं कि आज सेकंड सैटरडे है, सेकंड सैटरडे को मुझको घर पर आना चाहिए, लेकिन नगर में हम घूम रहे थे और विगत ढाई महीना पहले जो ये जो कह रहे हैं प्रॉपर इनको अनुमति मिली थी, प्रॉपर अनुमति नहीं मिली है इनको, केवल अनुमति ये मिली थी कि इनका जो टूट फूट है उसका निर्माण कराए, न कि पुनर्निर्माण कराने के लिए, और तीन दुकान के मरम्मत के लिए दिया गया था कि न कि पुनर्निर्माण और पिलर लगा करके दो मंजिला करने के लिए दिया गया था। ये मूल भावना के विपरीत है पूरी तरह से। डॉक्टर ने एक और बड़ा आरोप ये लगाया कि 2 लाख रुपए की जो आपके बाबू हैं वो डिमांड कर रहे थे, उनका कहना है कि वो पैसे को लेकर बंदरबांट हो रही थी वहाँ पे और चेयरमैन और ईओ के बीच में शायद कोई ना कोई नाखुशता, लिहाजा ये पूरी कार्रवाई की गई। ये आरोप निराधार है इनका, और इनको इसी क्रम में कई बार नोटिस भी दिया गया था। तो अभी आपकी मंशा क्या है, क्या आपने? मेरा मंशा ये है कि इनका तो कैंसिल हो ही गया है, तीन की तीनों दुकानों को, जो कि मूल स्ट्रक्चर था जो पूरी तरह से पुनर्निर्माण करा रहे थे, और इसको हमने पूरी तरह से आधा अधूरा तोड़वाए हैं, इनका कैंसिल भी हो गया है, और इसमें हम शौचालय मूत्रालय बनवाएंगे। तो ये कब तक आपका शौचालय यहाँ पर बन जाएगा? आज तो मतलब काफ़ी विवाद हो गया, छुट्टी भी था और SDM वगैरह नहीं थे, क्योंकि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति जरूरी थी, और जब हमको मजिस्ट्रेट मिल जाएंगे तो तोड़वा करके शौचालय में तोड़ा निर्माण कर। लगभग इनका जितना हमको तोड़वाना था तोड़वाए हैं, और अब तीन दुकानों का जहाँ तक स्ट्रक्चर की बात है वो स्पष्ट हमको दिखाई दे रहा है, तीन पुनः बनवा करके नगर पालिका के द्वारा दिया जा सकता है, और पूरी तरह से तोड़वाने का कोई मतलब भी नहीं है, और जीना वगैरह हटवा करके तीन दुकानें किया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है, जब आवेदक को नगर पालिका द्वारा ही निर्माण कार्य और खर्च करने की अनुमति दी जाती है, जब नगर पालिका का जेई जर्जर दुकानों की जांच करता है, तब नगर पालिका की आंखें क्यों नहीं खुलती? और जब अवैध निर्माणों को गिराने के लिए ईओ पूरे लाव लश्कर के साथ आए थे, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि छुट्टी के दिन महज 2 घंटे बाद ही अपनी पूरी फौज के साथ वापस लौट गए? ये पूरा मामला कहीं भ्रष्टाचार के उस मकर जाल का हिस्सा तो नहीं, जिसकी खबरें अक्सर सुर्खियां बनकर सामने आती रहती हैं? CIBC इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।